अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू स्टडी गाइडर आज हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 2.5 का पहला क्वेश्चन है कि राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग द फॉलोइंग रूट्स यानी ये हमें रूट्स गिवन है रूट्स हमें दिए गए हैं और हमने ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके ये रूट्स हों तो इन रूट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले हमने सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करने हैं तो सम ऑफ रूट आपको पता है कि यहाँ पर जो दोनों रूट्स दिए गए हैं इनको हमने सम करना है यानी कि ये वन प्लस फाइव इज इक्वल टू सिक्स हो जाएगा और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है इसके लिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं ठीक है जी ये फाइव हो जाएगा अब हमारे पास एक इक्वेशन होती है उसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे हम कहेंगे कि यूजिंग एक्स स्क्वेर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू ज़ीरो एक जनरल स्केलेटन है जिसमें हमने ये जो s है इससे मुराद सम ऑफ रूट है और ये जो p है इससे मुराद प्रोडक्ट ऑफ रूट है तो इसमें हमने अब ये सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू पुट कर देनी है और वो रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जानी है एक्स स्क्र माइनस ये s की जो वैल्यू सिक्स है ये लिखेंगे s सिक्स एक्स और प्लस पी की जगह पे उसकी वैल्यू फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो तो यही इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जी स्टूडेंट्स तो ये जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आते हैं ठीक है जी या एम भी पूछे जा सकते हैं यहाँ से तो देखें ये बहुत ईजी हैं इसी तरह से हमने इनके नेक्स्ट पार्ट्स भी करने हैं जब हम इनके सम ऑफ रूट करेंगे तो दोनों को ऐड कर लेते हैं तो ये थर्टीन आ गया इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट जब निकालनी है तो फोर इंटू नाइन करेंगे तो ये थर्टी सिक्स आ जाएगा ठीक है अब हम इसको कहेंगे कि यूजिंग वही इक्वेशन जनरल इक्वेशन लिखेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्ल टू ज़ीरो और जब हम इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्र माइनस थर्टीन एक्स प्लस थर्टी सिक्स इज इक्ल टू ज़ीरो ठीक है जी देखें स्टूडेंट क्या किया है हमने दोबारा से आपको मैं बताता हूँ कि हमने यहाँ पर जो एस है एस की जगह पर उसकी वैल्यू थर्टीन पुट की है यहाँ पर ठीक है जी और इसी तरह से जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है उसका ये हमारे पास वैल्यू उसकी थर्टी सिक्स है तो हमने ये p की जगह पर उसकी वैल्यू थर्टी सिक्स पुट की है ठीक है हम लिख देंगे कि इज द इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जी सॉल्व करते हैं इसके थर्ड पार्ट को इसी तरह से जब सम ऑफ रूट करेंगे तो ये नेगेटिव टू प्लस थ्री इज इक्वल टू वन और प्रोडक्ट ऑफ रूट करेंगे तो ये नेगेटिव टू इन थ्री इज़ इक्ल टू माइनस सिक्स और अब हम इसको कहते हैं यूजिंग एक्स स्क्र माइनस एस एक्स प्लस पी इज एक टू ज़ीरो और इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो एक्स स्क्र माइनस एस की वैल्यू वन तो ये वन एक्स या ओनली एक्स भी लिख सकते हैं और प्लस पी तो यहाँ पर पी की वैल्यू नेगेटिव सिक्स है तो हम इसको माइनस सिक्स इज इक्ल टू लिख देंगे और ये बन गई एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस सिक्स इज इक्ल टू ज़ीरो एंड इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जी स्टूडेंट्स इनको भी हम उसी तरह से सॉल्व करते हैं देखें इसका सम जो है वो आ जाएगा जीरो प्लस माइनस थ्री तो ये जीरो माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस थ्री आ गया और जब प्रोडक्ट लेंगे ज़ीरो इंटू माइनस थ्री तो ये ज़ीरो आ जाएगी ये वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट करते हैं एक्स स्क्वेर माइनस एस की जगह पर माइनस थ्री फिर एक्स और प्लस पी की जगह पर ज़ीरो इक्वल टू जीरो बन जाएगी एक्स थ्री एक्स इज इक्वल टू जीरो और यही हमारीटिक इक्वेशन ई पार्ट में देखें यहां पर फोर यह हो जाएगा सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट टू इन टू माइनस सिक्स जो है ये माइनस ट्वेल्व हो जाएगा वैल्यू को पुट कर देते हैं तो ये एक्स स्क्र माइनस फोर इंटू माइनस इंटू माइनस फोर एक्स और माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो इसको सॉल्व करते हैं एक्स स्क्र प्लस फोर एक्स माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एफ पार्ट में देखें नेगेटिव वन और नेगेटिव सेवन दो रूट दिए गए हैं इनका सम करते हैं तो नेगेटिव वन माइनस सेवन इज इक्वल टू माइनस एट आता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट में इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा सेवन इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं एक्स स्क्वेयर एक माइनस इक्वेशन में है और एक माइनस एट के साथ है जो रूट की वैल्यू है इसके साथ आ जाएगा एक्स और प्लस पी की जगह पे आ जाएगा सेवन तो ये एक्स स्क्वेयर प्लस एट एक्स प्लस सेवन इज इक्वल टू ज़ीरो इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन जी नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं इसमें रूट्स गिवन है वन प्लस आयोटा और वन माइनस आयोटा जब हम इनका सम ऑफ रूट करेंगे तो ये आएगा वन प्लस आयोटा प्लस वन माइनस आयोटा तो देखिए स्टूडेंट्स ये जो पॉजिटिव आयोटा है ये नेगेटिव आयोटा के साथ कैंसल आउट हो जाएगा और वन प्लस वन इसका टू आंसर आ जाएगा इसी तरह से जब हम इनका प्रोडक्ट ऑफ रूट करते हैं तो वो हो जाएगा वन प्लस आयोटा इन टू वन माइनस आयोटा तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म बन रही है लिहाजा हम इसको लिखेंगे वन का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर देखें वन का स्क्वायर तो वन हो गया और माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन है तो ये फाइनली बन जाएगी वन प्लस वन इज इक्वल टू तो टू ठीक है सम ऑफ रूट भी टू आ गया और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी टू आ गया अब हम जनरल इक्वेशन लिखते हैं कि यूजिंग एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू तो ज़ीरो और इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं तो ये बन जाएगा एक्स ऑफ रूट टू है तो ये टू एक्स प्लस पी की वैल्यू टू है तो ये इज अ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिये नेक्स्ट पार्ट में इसमें भी उसी तरह से पहले हमने सबसे पहले सम ऑफ रूट लेना है तो समल टू थ्री प्लस टू स्क्वे रूट प्लस थ्री माइनस टू स्क्वा और इसका भी ये प्लस टू स्क्र रूट माइनस टू स्क्वायेयर रूट के साथ कैंसल हो जाएगा और थ्री प्लस थ्री सिक्स आ जाएगा सिमिलरली इनकी प्रोडक्ट ऑफ रूट जब निकालेंगे तो ये थ्री प्लस टू स्क्वायेयर रूट इन टू थ्री माइनस टू स्क्वायेयर रूट अगेन ये ए प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म है तो हम इनको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायेयर की फॉर्म में लिख लेंगे और ये आ जाएगा नाइन माइनस टू विच इज़ इक्वल टू सेवन अब हम इसके लिए उसी तरह से दोबारा वो जनरल इक्वेशन यूज़ करेंगे यूजिंग एक्स स्क्र माइनस एस एक एक्स प्लस पी इज इक्वल टू ज़ीरो तो ये बन जाएगी हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ रूट की वैल्यू सिक्स सिक्स एक्स प्लस पी की वैल्यू सेवन तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है ठीक है जी इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ले जी क्वेश्चन नंबर वन ख़त्म हो गया अच्छा क्वेश्चन नंबर टू को देखें तो इसमें उसने कहा हुआ है कि इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन कि ये जो इक्वेशन गिवन है ना इसके रूट्स को हम अल्फा बीटा कह सकते हैं तो फिर हमने ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स ये हों ठीक है जी ये भी स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चन ही हैं तो सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन में ये कहते हैं कि लेट एल्फा बीटा आर द रूट्स तो देन हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी फाइंड करेंगे जो आपको पता है नेगेटिव बी ओवर ए के इक्वल होती है किसी इक्वेशन से अगर हमने सम ऑफ रूट्स निकालने हो तो हम उसमें नेगेटिव बी ओवर ए यूज़ करते हैं और ये ए बी सी की वैल्यूज़ वही हैं जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हुए उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके निकालते हैं यानी एक्स स्क्वेयेर का जो कोएफिशिएंट है वो ए है जो एक्स का कोएफिशिएंट है वो बी है जैसे कि नेगेटिव थ्री ठीक है और c जो है वो कॉन्सटेंट है जैसे कि प्लस सिक्स ए की वैल्यू यहाँ पे वन है तो जब हम ये वैल्यूज पुट करते हैं तो ये एक नेगेटिव फॉर्मूले का और एक माइनस थ्री और ओवर ये आ जाता है ए की वैल्यू वन तो ये फिर बन जाएगी थ्री अब इसी तरह से जब हम इनकी प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा निकालते हैं तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए तो ये सिक्स ओवर वन इज इक्वल टू सिक्स तो ये सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है ना वो तो दिए गए हैं इस इक्वेशन के मुताबिक ठीक है लेकिन जो क्वेश्चन में हमने इक्वेशन बनानी है जैसे कि फॉर एग्जांपल इसका फर्स्ट पार्ट है वो हमने वो इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स टू अल्फा प्लस वन और टू बीटा प्लस वन हो। हमने क्वेश्चन नंबर वन में देखा कि हमें जिन रूट्स की इक्वेशन बनानी होती है हमने उनके सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेने हैं पहले तो फिर अब हम इन रूट्स के लिहाज से सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं तो इसका जो सम ऑफ रूट है वो आ जाएगा टू एल्फा प्लस वन प्लस टू बीटा प्लस वन अगर इनको हम सॉल्व करें तो देखें ये टू एल्फा और टू बीटा में से टू को लेते हैं कॉमन तो ये टू इंटू एल्फा प्लस बीटा और बाकी जो वैल्यूज है वन प्लस वन उनको ऐड करते हैं तो ये प्लस टू आ गया ठीक है अब ये हमारे पास आ गई टू इंटू एल्फा प्लस बीटा प्लस टू लेकिन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने पहले मालूम की है ऊपर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू थ्री अब हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये टू इंटू थ्री प्लस टू विच इज इक्वल टू एट तो ये सम ऑफ रूट इज इक्वल टू एट आ गया इसी तरह से हम प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे ठीक है जी जो हमें रूट्स गिवन है वो है टू अल्फा प्लस वन इंट एल्फ टू बीटा प्लस वन इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए टू अल्फा जब टू बीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा अल्फा बीटा फिर उसके बाद ये अल्फा अल्फा फिर फोर एल्फा बीटा है और नेक्स्ट जो टू टर्म है टू अल्फा प्लस टू बीटा यहां से टू को कॉमन लेते हैं तो टू इंटू एल्फा प्लस बीटा प्लस वन आ गया अब हमने यहाँ पे अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज पुट कर देनी है तो जो अल्फा बीटा की वैल्यू है वो है सिक्स और जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थ्री वो दोनों हमने यहाँ पे पुट कर दी इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा थर्टी वन ठीक है अब हम उसी इक्वेशन को यूज़ करेंगे जो जनरल स्केलेटन हम यूज़ कर रहे थे एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू ज़ीरो और एस और पी दोनों की वैल्यूज़ इसमें पुट कर देंगे तो ये फिर एक्स स्क्वाइनस सम ऑफ रूट एट आया तो ये एट एक्स प्लस पी की वैल्यू थर्टी वन आई है तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है जी इसके बी पार्ट्स में हमें रूट्स दिए गए अल्फा स्क्वेयर बीटा स्क्वायर अब इसका ये ये जो पहला पोर्शन है चूंकि इक्वेशन सेम है तो हम इतना तो जो है वो हर पार्ट के साथ हमें करना होगा ठीक है जी क्योंकि इनके अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा सेम रहेंगे अगर इक्वेशन सेम है तो अच्छा जी जो हमें रूट्स जिनकी हमने इक्वेशन बनानी है वो गिवन है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इनका अगर हम सम करेंगे तो ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और ये हम पिछली एक दो एक्सरसाइज से ये बात करते आ रहे हैं कि इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा इनकी वैल्यू हम पुट कर देंगे तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है थ्री ये थ्री का स्क्वायर माइनस टू इन टू बीटा की वैल्यू सिक्स है तो ये नाइन माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू सम जो है वो इक्वल टू आ गया माइनस थ्री के इसी तरह से हम इनकी जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है वो ले लेते हैं तो वो आ जाएगी अल्फा स्क्वेयर बीटा स्क्वेयर तो ये अल्फा बीटा का होल स्क्वायर भी लिखा जा सकता है और अल्फा बीटा की वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये आ जाएगी सिक्स का स्क्वेयर यानी कि थर्टी सिक्स तो पी की वैल्यू थर्टी सिक्स आ गई और अब हम यूज़ कर सकते हैं इक्वेशन यूजिंग एक्स स्क्र माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू ज़ीरो और इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो एक्स स्क्र माइनस सम जो है वो नगेटिव थ्री आया था तो ये माइनस थ्री एक्स और प्लस पी की वैल्यू जो है वो थर्टी सिक्स आई है अब इसको हम सॉल्व करके लिख लेते हैं एक्स स्क्र प्लस थ्री एक्स प्लस थर्टी सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो हमारी मन चाहिए क्वाड्रेटिक्वेशन है या बुक चाहिए क्वाड्रेटिक्वेशन तो देखिए सी पार्ट में रूट्स दिए गए हैं उसी तरह से वन ओवर अल्फा और वन ओवर बीटा तो पहले हम इनका सम ऑफ रूट्स निकालेंगे वन ओवर अल्फा प्लस वन ओवर बीटा एलसीएम लेंगे एलसीएम आएगा अल्फा बीटा ठीक है और बीटा जो है वो इधर आके वन से मल्टीप्लाई अल्फा इधर वन से मल्टीप्लाई तो ऊपर ये अल्फा प्लस बीटा अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा एस इज इक्वल टू थ्री ओवर सिक्स या हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं अच्छा जी जब हम इसकी प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हैं तो प्रोडक्ट में आ जाएगा वन ओवर एल्फा मल्टीप्लाई बाय ओवर बीटा हमने दोनों जो गिवन रूट्स हैं, उनको मल्टीप्लाई करके लिख दिया तो ये आ जाएगा वन ओवर एल्फा बीटा अब जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे वन ओवर एल्फा बीटा की वैल्यू सिक्स है तो ये वन ओवर सिक्स आ गया इसके बाद हम जनरल इक्वेशन को यूज करते हैं एक्स स्क्र माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्ल टू जीरो तो ये आ जाएगी एक्स स्क्र माइनस सम की जगह पे वन ओवर टू एक्स और प्लस पी की जगह पे वन ओवर सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो अब देखें स्टूडेंट्स ये इसके डिनोमिनेटर में टू भी है सिक्स भी है और टू और सिक्स का जो एलसीएम है एल सी एम ऑफ टू एंड सिक्स इज सिक्स तो लिहाजा हम सारी इक्वेशन को सिक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये सिक्स एक्स स्क् माइनस सिक्स इंटू वन ओवर टू एक्स और प्लस इंटू वन ओवर सिक्स अब इसको सिंप्लीफाई करने से यह द रिकटेक इक्वेशन जी डी पार्ट गिवन है अल्फा ओवर बीटा और बीटा ओवर अल्फा तो पहले इनका हम लेते हैं सम ऑफ रूट ये अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा इनका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा अल्फा बीटा अब ये अल्फा जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर और प्लस इसी तरह से बीटा मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा बीटा स्क्वायर। और जो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है इसको हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा और ओवर बी अल्फा बीटा अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थ्री तो ये थ्री का स्क्वायर माइनस टू इंटू एल्फा बीटा की वैल्यू सिक्स और डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा की फिर वैल्यू सिक्स तो सम ऑफ रूट को सॉल्व करने पर ये बन गया नाइन माइनस ट्वेल्व ओवर सिक्स यानी कि ये माइनस थ्री ओवर सिक्स या ये माइनस वन ओवर टू ठीक है लेकिन जब हम इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट पी फाइंड करते हैं तो ये है अल्फा ओवर बीटा इन बीटा ओवर एल्फा ले आपस में लड़के खत्म हो गए और ये आ गया बीटा बीटा से कैंसल अल्फा अल्फा से कैंसिल तो ये वन आ गया ठीक है अब इसके बाद हम उसी इक्वेशन को यूज करेंगे कि यूजिंग एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू जीरो और वैल्यूज पुट करने पे ये एक्स स्क्र माइनस एस की वैल्यू जो है वो माइनस वन ओवर टू आई है और प्लस पी की वैल्यू वन अब ये बन गया एक्स स्क्स ओवर टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो डिनोमिनेटर से टू को खत्म करने के लिए सारी इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये टू एक्स स्क्स एक्स प्लस टू इज एक टू ज़ीरोज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जी तो क्वेश्चन नंबर टू के ई पार्ट में जो कि इस क्वेश्चन इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है इसमें जो रूट्स गिवन है जिसकी हमने इक्वेशन बनानी है वो है वन वो है अल्फा प्लस बीटा और वन ओवर अल्फा प्लस वन ओवर बीटा तो सबसे पहले हम इनके ऑफ रूट्स लेते हैं तो ऑफ रूट्स को सॉल्व करने के लिए हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे यानी वन ओवर यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस वन ओवर अल्फा प्लस वन ओवर बीटा ठीक है अल्फा प्लस बीटा जो है इसको अभी हम ऐसे ही रखते हैं और वन ओवर अल्फा प्लस वन ओवर बीटा का एलसीएम तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा अब वैल्यूज़ पुट करते हैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है वो है थ्री और ये फिर थ्री प्लस थ्री ओवर और ये जो अल्फा बीटा है ये है सिक्स तो ये थ्री प्लस थ्री ओवर सिक्स जो है थ्री ओवर सिक्स को सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं थ्री प्लस वन ओवर टू ठीक है जी तो ये आ गया इक्वल टू थ्री होल वन ओवर टू भी आप इसको कह सकते हैं या ये आ जाएगा सेवन ओवर टू आप इसको एलसीएम से भी सॉल्व कर सकते हैं अच्छा जी तो इनकी प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालने के लिए हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा इंटू वन ओवर एल्फा प्लस वन ओवर बीटा तो ये जो वन ओवर एल्फा प्लस वन ओवर बीटा है इसको हम एलसीएम से सॉल्व करेंगे तो ये जी अल्फा प्लस बीटा को अभी एज इट इज लिखते हैं और ये जो वन ओवर अल्फा प्लस ओवर बीटा है इसका एलसीएम लेते हैं तो ये एलसीएम अल्फा बीटा आ गया और ऊपर जो है इसके अल्फा प्लस बीटा अब वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये थ्री इन थ्री ओवर सिक्स यानी नाइन ओवर सिक्स और सिंप्लीफाई करने पे थ्री ओवर टू इक्वेशन यूज करते हैं एक्स स्क् माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू जीरो और वैल्यूज़ पुट करते हैं तो ये एक्स स्क्र माइनस अब एस की जगह पे आएगा सेवन ओवर टू सात एक्स और प्लस पी की जगह पे आ जाएगा थ्री ओवर टू देखिए डिनोमिनेटर में टू है तो सारी इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई कर दें तो ये टू एक्स स्क्वायेर माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो जी तो ये इज रिक्वायर्ड इक्वेशन है जी इक्वेशन नंबर थ्री भी बिल्कुल उसी तरह से ही है सिर्फ इसमें यहाँ पे ये इक्वेशन चेंज हो गई है एक्स स्क्वेर प्लस पी एक्स प्लस क्यू ठीक है तो अगर इक्वेशन चेंज हुई है तो इसमें हमें पहले जो सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट है यानी कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा वो फाइंड करने होंगे तो हम इसमें यहाँ पे कहते हैं कि लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स तो फिर जो अल्फा बी प्लस बीटा है वो नेगेटिव बी ओवर ए होगा तो यहाँ पर बच्चों देखो जो ए है वो एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट वन है और जो बी है वो एक्स का कोएफिशिएंट पी है इसी तरह से जो कांस्टेंट है सी वो क्यू है तो वैल्यू पुट करते हैं तो ये नेगेटिव पी ओवर वन यानी कि ये नेगेटिव पी आ गया और अल्फा बीटा जो है वो सी ओवर ए होता है यानी कि ये क्यू ओवर वन इज़ इक्वल टू क्यू आ जाएगा और अब जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर तो इसके लिहाज से हमने अब सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा और वैल्यू पुट करने पर अल्फा प्लस बीटा का जो होल स्क्वायर है ये बन गया पी स्क्वायर और माइनस टू क्यू अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर दी तो ये सम ऑफ रूट आ गया और जिस वक्त हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालने हैं तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसके आ जाएंगे पी इज़ इक्वल टू एल्फा स्क्वायर डॉट बीटा स्क्वायर यानी कि ये अल्फा बीटा का होल स्क्वायर और अल्फा बीटा की जो वैल्यू है वो क्यू है तो ये सिर्फ q स्क्वायर ठीक है अब दोबारा से उसी इक्वेशन को यूज़ करते हैं यूजिंग एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू ज़ीरो हमारे पास बन जाएगा फिर एक्स स्क्वेयर माइनस एस की जगह पर जो सम की वैल्यू आई है पी स्क्र माइनस टू क्यू इसको ब्रैकेट में करके लिखेंगे साथ इसके एक्स और प्लस पी की जगह पे जो हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट यहाँ पे ये क्यू स्क्वेयर निकाली है ये लिख देंगे इज इक्ल टू ज़ीरो यही इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है इज़ द रिक्वायर्ड क्वाडेटिक्वेशन इक्वेशन जिसके बी पार्ट में जो रूट्स गिवन है वो वन अल्फा ओवर बीटा और बीटा ओवर अल्फा है तो इसके लिहाज से हम निकालेंगे पहले इनका सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट तो सम ऑफ रूट में अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा तो एलसीएम से इनको सॉल्व करेंगे एल्सीय इनका आ जाएगा एल्फ़ा बीटा और ये पहले भी हम कर चुके हैं अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा को बीटा से बीटा स्क्वायर और ये इक्वल आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा जी पुट करते हैं वैल्यू तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो है नेगेटिव पी इसका स्क्वायर हो गया फिर अब माइनस टू अल्फा बीटा क्यू आ गया तो ये ओवर दोबारा से ये q आ गया अच्छा जी ये फिर बन गया पी स्क्वेयर माइनस टू क्यू ओवर क्यू ठीक है और जिस वक्त हम इनकी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में ये आ जाएगा अल्फा ओवर बीटा इन टू बीटा ओवर अल्फा ठीक है जी तो ये फिर दोनों एक दूसरे से कैंसल आउट होके ये अल्फा अल्फा से कैंसल बीटा बीटा से कैंसिल तो ये वन आ गया अब हम उस इक्वेशन को दोबारा यूज़ करते हैं और हम कहते हैं कि यूजिंग एक्स स्क् माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू जीरो तो वैल्यू पुट करते हैं एक्स स्क्र माइनस एस की जगह पर ये पी स्क्वेयर माइनस टू क्यू ओवर क्यू इन टू एक्स और प्लस वन इज इक्वल टू जीरो अच्छा हम इसको भी कह सकते हैं कि ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है या हम Uh, q को मल्टीप्लाई कर सकते हैं सारी इक्वेशन से फिर वो q एक्स स्क्वेर माइनस यहाँ से जो q लिखा जाएगा वो कैंसल आउट हो जाएगा उसके साथ तो ये पी स्क्र माइनस टू क्यू एक्स प्लस क्यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो तो ये भी इसका आंसर हो सकता है ये भी इसका आंसर हो सकता है जी स्टूडेंट्स तो ये थी हमारी ये लिहाजा ये है हमारी मतलूबा इक्वेशन जी स्टूडेंट्स तो ये थी एक्सरसाइज 2.5 जो हमने सॉल्व कर ली आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपना बहुत सा रखिएगा ख्याल हाफिज़